नमस्कार। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो सभी को पसंद आने वाला है, बच्चों हो या बड़े, सुबह खाएं या शाम को। बहुत ही बढ़िया और हल्का नाश्ता है। हम शुरू करेंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसमें मैंने ये चार पांच आलू उबाल के ले लिए हैं। ये ब्रेड है, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। मटर को हमने उबाल लिया है और अदरक ग्रेट कर लिया है। हरी मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, अमचूर, नमक स्वादानुसार लेंगे, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लहसुन को ये मैंने पीस लिया है, और एक प्याज है इसको मैंने महीन काटा है। अब हम शुरू करेंगे। कि सबसे पहले हम आलू तैयार करेंगे। देखिए सभी आलू हमारे छिल गए हैं और मैंने कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी को कद्दूकस कर लिया है और ब्रेड को मैंने मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स बना लिए। और इसमें ये देखिए इसमें मटर डालेंगे। और ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक अदरक, ये खटाई है, अमचूर, धनिया पाउडर और हम अब ये नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको मिला लिया है और हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। ब्रेड क्रम्स मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आलू की अगर हम जो भी सामान बनाएंगे और तेल में तलेंगे तो ये बिखर जाएंगे, इसलिए ब्रेड क्रम्स ज़रूर मिलाएंगे। एक डो बनाने तक हमको इसको मिलाना है, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम मिलाएंगे इसमें। थोड़ा और मिलाएंगे अभी। देखिए डो बन के हमारा तैयार हो गया है इस तरह से। अब इसको हम इसी थाली में इसको सेट कर देंगे इस तरह से। फिर इसके हम पीस काटेंगे। ये देखिए मैंने इसको इस थाली में जमा दिया है। अब थोड़ा ये सेट हो जाएगा तब हम इसके पीस काटेंगे। देखिए हमारा ये सेट हो गया है, हम इसके पीस काटेंगे। और देखिए इस तरह से हम इसके इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से निकाल के हम ये तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने सभी को काट के तैयार कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें हम ये थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। और इसको एक पतला घोल बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और थोड़ा पानी डालेंगे फिर। ये देखिए इस तरह से हमें इसका पतला घोल बनाना है। ये देखिए इस तरह से हम एक पतला घोल बना लेंगे। ये हमारे बन गया। और हम ये देखिए ये ब्रेड क्रम्स हैं और इसमें से हम ये एक पीस लेंगे और इसमें हम डुबोएंगे इस तरह से, इस तरह से। और फिर ये इसमें हम डाल देंगे इसको, और इस तरह से हम अपने सभी तैयार करेंगे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से बना बना करके हम सभी तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें डुबोएंगे हम, बिल्कुल पतला ये घोल लिया है हमने। और इसके बाद इसमें हम कोट करेंगे इसको ब्रेड क्रम्स में, और इस तरह से ये बना बना के रख लेंगे। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए सभी मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं, हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, हम इसमें ये डाल देंगे। उसको बहुत तेज आंच पे नहीं, हमको फ्राई करना है। और ऐसे ही हम सिकने देंगे। जब ये थोड़े सिक जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तब हम इनको पलटेंगे। देखिए हमारे सिक गए हैं और हम इनको पलट देंगे। देखिए अभी 2 मिनट और सेकेंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सिक गए हैं, हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सभी तल लेंगे। ये देखिए हमारे सभी सिक्कर तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बने हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।